सो गाइस आज बनाएंगे दाल चावल और करते हैं स्टार्च। और मेरी रेसिपी होने वाली है बहुत जबरदस्त, सो आप इसको जरूर ट्राई करना। सो हमने दाल वॉश कर ली है 3-4 टाइम्स अच्छे से। अब हम दाल को ट्रांसफर कर लेंगे पैन में। सो दाल में हम डाल देंगे एक बड़ा ग्लास पानी का। तो दाल के हिसाब से पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा और ऐड कर दूंगी मैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ध्यान रहे थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम इसका जो तड़का लगाएंगे उसमें भी नमक डलेगा। सो थोड़ा सा नमक, इसके साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। अब इसको हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे 30-45 मिनट्स के लिए पकने के लिए, और इसको हमने ढककर पकाना है। सो गाइस जब आपको ऐसा सा कुछ मिले तो आपकी ऑलमोस्ट दाल है रेडी, सिर्फ आपको अब तड़का लगाना है। गैस कर देंगे बंद। गाइस तड़के के लिए लिया मैंने छोटू वाला पैन और थोड़ी सी मैंने चीजें कट कर ली है फॉर द तड़का। पहले डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल, रख देंगे लो फ्लेम पे, डाल देंगे इसके अंदर जो हमने रेडी किया है इसका तड़का। सो गाइस मैंने इसमें अनियन, कैप्सिकम और गार्लिक और थोड़े से मसाले डाले। मैं ऐड कर रही हूँ हींग, बिकॉज आई जस्ट लव हींग। हींग के बिना आई कैन नॉट ईट एनी थिंग। हींग इज माई फेवरेट फॉर श्योर। सो इसको पका लेंगे। तड़का है बिल्कुल रेडी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम ऐड कर देंगे दाल में, इसको दे देंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। गाइस बढ़िया तरीके से हमारा तड़का लग चुका है। सो चावल भी मैंने धो के भिगो लिए थे, इट्स मोर देन हाफ एन आवर नाउ। सो चावल भी फटाफट से रेडी कर लेते हैं अपने। सो सबसे पहले चावल डाल लेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा इसमें, इसमें जाएगा वाटर डबल क्वांटिटी, जितने चावल हैं उससे डबल जाएगा वाटर। दिया है तेज आंच पे जब तक कि बॉईल नहीं आता। इस बॉईल आ गया, इसको ढक देंगे फॉर 15 मिनट्स और गैस कर देंगे स्लो। सो आफ्टर 15 मिनट्स हमारे राइस हैं बिल्कुल रेडी। राइस अच्छे से कर लेंगे दाल को एक बार और गर्म। तो अपने बढ़िया राइस चावल को हम खाएंगे घर के बने अचार के साथ, जो कि मॉम ने स्पेशल भेजा है मेरे लिए। इतने जबरदस्त बने हैं ना दाल चावल, मजा आ गया जबरदस्त।